एशिया कप 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और 6 टीमें जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो डेफिनेटली 5 फुल मेंबर्स एशिया की, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और उसके साथ साथ एक एशियाई टीम जैसे कि हर बार की तरह एक एशियाई टीम खेलती है। इस बार जो एशियाई टीम है वो है नेपाल, जो कि उनका पहला एशिया कप होगा। यह तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा जब 30 अगस्त को नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, नेपाल जब मैदान पर उतरेगा तो पहली बार होगा कि एशिया कप कोई टीम खेलने के लिए उतरे, एशिया कप नेपाल खेलने के लिए उतरेगा। तो 12 प्लेयर्स टू वॉच आउट की जो कैटेगरी है वो कहीं ना कहीं आपके सामने लेकर आए कि 12 वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे खासा नजर रहने वाली है डेविड क्रेड की, इस अगर हम एशिया कप की बात करें तो इन ये जो 12 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स पर टीम हमने यहाँ पर पिक किए हैं 6 की 6 टीमों में से, और इसमें से एक जो नाम है वो तो बहुत ऑब्वियस होगा क्योंकि हम क्या आप क्या शायद लगभग सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनकी नजर रहेगी कि किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन एक नाम ऑब्वियस रहेगा और एक नाम डेलगर की तरफ से रहेगा जिनके बारे में डेलगर के चाहेगा कि देखेंगे आखिर एक परफॉर्मेंस किस तरीके का देते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चलिए हम अगर शुरू करें होस्टिंग टीम से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान की अगर हम देखें तो उनके लिए 2 प्लेयर्स टू वॉच आउट डेलगर की तरफ से कौन से रहने वाले हैं, एक ऑब्वियस पहले बताइए और उसके बाद डेलगर की नज़र जिन पर रहेगी वो बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा कैप्टन भी नजर रहेगी जरूर, नहीं ऐसा कैप्टन तो रहेगी क्योंकि अभी भी कोई भी ट्रॉफी उनके हाथ लगी नहीं है। जब से उन्हें कप्तान बनाया गया है तब से एशिया कप भी हुए हैं, वर्ल्ड कप भी आ गया है, T20 वर्ल्ड कप भी चला गया, अब फिर एशिया कप आ रहा है, तो इसमें जरूर देखना होगा कैसी स्किल्स दिखाते हैं और एज अ बैट्समैन तो वो बहुत अच्छा करते ही है, लेकिन और चाहेंगे कि इस एशिया कप में भी अगर वो रन करें क्योंकि एज अ बैट्समैन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाता है आपको जब अच्छे टेक्निकल बैट्समैन चले। तो बाबर आजम तो पहले ही रहेंगे क्योंकि कप्तान है, सबसे पहले तो उन्हें इसी में देखना होगा कि क्या करते हैं, कुछ नया कर पाते हैं या नहीं, या सेम ओल्ड कहानी दोहराई जाएगी। बिल्कुल, वही दूसरे नाम की बात करें पाकिस्तान की तरफ से तो वो होंगे नसीम शाह, और ये डेल क्रिकेट की नजर है, ये वो नेम है जो कि ऑब्वियस से हटकर है डेल क्रिकेट की नजर है क्योंकि नसीम शाह ने जितना इंप्रेस किया है डेफिनेटली मुझे लगता है कि फुल में अगर हम एशियन फुल मेंबर्स की बात करें तो ओवरऑल फुल मेंबर्स की भी बात करें अगर आपको टॉप 5 प्लेयर्स निकालने हो जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया हो बॉलिंग कैटेगरी में, डेफिनेटली नसीम शाह उस टॉप 5 लिस्ट में जरूर अपना नाम बनाएंगे। बहुत जबरदस्त बॉलिंग की रही है, फॉर्मेट चेंज होते हैं लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो ग्राफ है वो चेंज होता है लेकिन ऊपर की तरफ जाता है, नीचे बिल्कुल नहीं आता, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, टेस्ट मैच में बात करें, अपने होम के पाकिस्तान की पिचेस पर टेस्ट मैच में बेहतरीन बॉलिंग कराई है, और अब एक और बड़ा प्लेटफॉर्म आ रहा है एशिया कप, यहाँ देखना होगा कि वो किस तरह से करते हैं। डेल क्रिकेट की ज्यादा नजर जो है वो इन 2 प्लेयर्स पर बनी रहेगी, एक तो ऑब्वियस है और एक है नसीम शाह। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, दूसरी जो टीम जो होस्ट करने वाली है एक और कंट्री श्रीलंका की बात करते हैं, उनके दोनों प्लेयर्स के बारे में आप बताएं कि दोनों प्लेयर्स कौन से प्लेयर्स टू वॉच आउट रहेंगे डेल क्रिकेट के, एक ऑब्वियस एक नॉर्मल, और दोनों का रीजन भी जरूर बताइए। जरूर, देखिए पहले प्लेयर की बात करें श्रीलंका की तो कुशाल मेंडिस है, क्योंकि एक रीजन भी है क्योंकि कुशाल मेंडिस है मिडिल ऑर्डर में आते हैं, दिमुत अभी अभी ऊपर आए हैं, उनको लाया गया है वापस क्योंकि पथुम निसम का तो साथ में है ही जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर ओपनिंग अगर जल्दी गिर जाती है श्रीलंका की तब उन पर काफ़ी ज़्यादा दारदार आएगा, और ये देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर में वो आते हैं किस तरीके से टीम को निकालेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, बड़ी बड़ी अच्छे रन्स करेंगे, क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी वक्त से वो अब टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ज़रूर है श्रीलंका को थोड़ा सा अपने घर में खेल रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ का यूटिलाइज़ करें, अपनी परफॉर्मेंस का टीम पर यूटिलाइज़ हो और टीम ये खिताब जीतने में कामयाब रहे, ऐसा उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक हो सकता है, श्रीलंका के लिए एक रास्ता खुल सकता है। और वहीं पर दूसरे प्लेयर हैं महेश दीक्षाणा जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस किया है क्वालिफायर में भी किया, लेकिन यहाँ पर उनका सामना और भी अच्छे अच्छी टीम से होगा जो बेहतरीन स्पिन खेलती है। यहाँ पर उनका सामना स्कॉटलैंड इंग्लैंड से हुआ जहाँ पर स्पिन में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ पर अच्छे बैट्समैन का सामना होगा लेकिन वो भी कुछ कमतर नहीं है, और नजर रिलेटेड यही रहेगी कि क्या वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर वाली परफॉर्मेंस यहाँ दोहरा पाते हैं या फिर नहीं, जहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और बेहतर स्पिन खेलने वाले बैट्समैन यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, या फिर इंडिया के हों, या फिर अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है वो भी प्लेयर्स क्यों ना हो, तो उन पे नजर डेलगेट जरूर बनी रहेगी। एक ऑब्वियस है कुशल मेंडिस की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही आप कह सकते हैं कि डेलगेट की नज़र खासा इन दोनों पे बनी रहेगी। चलिए अब तीसरी टीम की तरफ चलते हैं, या अगर हम बात करें अब इंडियन टीम की, इंडिया दोनों होस्ट कंप्लीट हो गए, चलिए इंडिया की बात करते हैं। इंडियन टीम की यहाँ अगर बात की जाए तो एक बहुत ही ऑब्वियस नेम है, वो है रोहित शर्मा।
या रोहित शर्मा और वो भी एज अ कैप्टन, जी हाँ, और एज अ कैप्टन इन पे भी एज अ कैप्टन ज्यादा नजर आएगी किस तरह से ये चीजों को संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली प्रेशर उनको भी होगा क्योंकि ओडिया वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर जो है रहने वाला है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी कहीं ना कहीं हाथ से निकल गया, तो इस बार देखना होगा कि एज अ कैप्टन वो किस तरह की स्किल दिखाते हैं। तो बाबर और रोहित दोनों पे ही एज अ कैप्टन ज्यादा नजर रहेगी, बैटिंग तो नजर रहेगी रहेगी। और सेकंड नाम एक बॉलर है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्वियस नाम तो विराट कोहली होने चाहिए, तो वो बहुत ही ऑब्वियस हो गए, मतलब विराट कोहली पे किन की नजर नहीं होगी अगर आप एशिया से हैं, ओवरसीज में डेफिनेटली है, आप उन्हें पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन विराट कोहली जब बैटिंग करने आते एक टुक तो लगेगा अरे विराट आए, कोई कोई सोचता होगा अरे यार ज्यादा ना चले, कोई सोचता होगा ये खूब चले, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, और एज इंडियन फैन डेफिनेटली आप सही जाते, तो विराट की तो नजर वैसे ही रहने वाली है, वो तो लाइनअप में, लेकिन इसके अलावा रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और एक बॉलर एंड वो कौन और क्यों? जरूर देखिए वो है सिराज, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सिराज पर खासी नजर रहेगी, क्योंकि देखना होगा क्योंकि बुमराह पर जरूर रहती कि हाँ बुमराह पर कि शायद बुमराह कम बैक करेंगे उसके खिलाफ, लेकिन डेली क्रिकेट को यही लगता है कि कम चांसेस हैं कि बुमराह को शायद एशिया कप में एकदम से इतना वर्कलोड दे दिया जाए कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में वो हैं और उसके बाद फौरन ही एशिया कप के लिए उन्हें चुन लिया जाए, इसके चांसेस बहुत बिग है, क्योंकि बीसीसीआई चाहती है कि बुमराह वर्ल्ड कप के लिए फिट अपने आप को तैयार रखे, तो फिर सिराज यहाँ पर जरूर है, क्योंकि सिराज ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी सिराज की वाइड बॉल में वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, लेकिन उसके बाद पिछले एक साल में काफी मेहनत की है, लाइन लेंथ से स्पीड से हर पिच पर हर तरह की पिचों पर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा छाप छोड़ी है अपनी दिखाने में, पुरानी बॉल हो नई बॉल से बॉलिंग हो, देखना चाहेंगे कि आखिर श्रीलंका जैसी पिचेस जहां स्पिन फ्रेंडली काफी होती है वो किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, तो रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज बिल्कुल, तो इन दोनों पे खासा नजर रहने वाली है डेली क्रिकेट की। तो खैर अब यहाँ बात करें अगर हम चौथी टीम की, बांग्लादेश की अगर यहाँ बात की जाए, तो बांग्लादेश में जो दो हमारे नाम होंगे, सबसे पहला नाम वो होगा साकिब अल हसन, बहुत ही ऑब्वियस है, वैसे हमने पहले कहा एक नाम तो ऑब्वियस है ही, किनकी नजर उन पर नहीं होगी, और अब तो कप्तान बनने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं एशिया कप के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी तमीम के एग्जिट के बाद, तो साकिब अल हसन पर नजर खासा रहने वाली है, एज अ परफॉर्मेंस से ज्यादा एज अ कैप्टन वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी तमीम कर रहे थे अचानक से उन्हें दिया जाएगा और इतने कम स्पेस में इतना बड़े दो दो इवेंट्स में संभाल लें, फिलहाल हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखना किस तरह से वो चीजें मैनेज करते हैं, क्या प्लेइंग 11 रखते हैं, क्या बॉलिंग रखते हैं, जी ऐसा परफॉर्मेंस भी शायद मैटर बहुत करेगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, जी और ऐसे ऑलराउंडर अगर यही परफॉर्म ना करें तो शायद टीम को नुकसान बहुत नहीं यार, बिल्कुल यही मैं ये कह रहा था कि एज अ परफॉर्मेंस से ज्यादा नजर कैप्टनसी में रहेगी, एज अ परफॉर्मेंस तो बहुत ऑब्वियस है, साकिब अल हसन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीम के, और अगर वही नहीं चले तो फिर बांग्लादेश इस रेस में कहीं भी आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा उनके बिना, क्योंकि वो ऑलराउंड परफॉर्मर है, फील्डिंग हो बैटिंग हो बॉलिंग हो उनकी, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में गिने जाएंगे, ऐसे वैसे करते हो चाहे ना करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है इसमें कोई दो राय नहीं, एशिया वर्ल्ड की बात करें तो वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स में वो जरूर गिने जाएंगे। खैर उसके बाद अगले नेम जो है एंड वो एक बॉलर है, क्यों नहीं, जरूर तस्कीन अहमद, देखिए बांग्लादेश पेसर्स को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त लगा हुआ है पीछे कि हम पेसर्स को रिसेंटली काफी सीरियस रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए उन्होंने अच्छे अच्छे कोचेस, साउथ अफ्रीका के ग्रेट पेस बॉलर को भी उन्होंने कोचिंग में लगा रखा है, तो जरूर है कि पेस बॉलर्स में हम देखना चाहेंगे और उसमें खासकर तस्कीन अहमद का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तस्कीन अहमद शुरुआती में विकेट अगर निकाल पाए तो बांग्लादेश की नैया पार लग सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि बांग्लादेश स्पिन को स्पिन से वार करें, ये होना थोड़ा मुश्किल नजर आता है थ्रू आउट द एशिया कप, अगर आप पेस पर काम कर रहे हैं तो वो भी हम देखना चाहेंगे कि इवेंट्स में किस तरीके से बांग्लादेश कर रही है उसकी पेस बैटरी कर पा रही है बजाय एक आध मैच के, पूरे टूर्नामेंट भी देखना चाहेंगे कि आखिर कैसी तैयारी कर रही है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है कि एक आध मैच में परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा और एक टूर्नामेंट एशिया कप ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, और बांग्लादेश को यही सबसे बड़ी चीज गलती है कि उनके प्लेयर्स जो हैं जो की प्लेयर्स हैं वो ओवरऑल सीरीज में चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेट इंडियन टीम से भी आजकल कर रहे होंगे, वो उनका भी कहीं ना कहीं यही हाल है, तो खैर लेकिन जहां पर पेस की बात हो रही है पेस पे काम हो रहा है तो तस्कीन अहमद पे नजर रहेगी, बाकी पेसर्स पे नजर रहेगी,
लेकिन तस्वीर पे भी खासा नजर रहने वाली है। उसके बाद अफगानिस्तान टीम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो राशिद खान एक ऑब्वियस नेम है, उन पर नजर रहेगी रहेगी हमारी क्या आपकी क्या सबकी नजर पर रहने वाली है कि ऑब्वियस नेम है, लेकिन जो दूसरे नेम है वो आपने क्यों इन्हें पिक किया है, उसके पीछे का रीजन क्या? नहीं जरूर, देखिए डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आप अगर रन्स के लिहाज से देखेंगे, उठाकर देखेंगे आप, तो हाई परसेंटेज रन्स इनके बल्ले से निकले हैं। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम जागरान की, इनको काफी अच्छा करने की, मिडिल ऑर्डर में आते हैं। रहमुल्ला गुरबाज, माफ कीजिएगा, वो तो ओपनिंग करते हैं, नहीं 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 जी हाँ, रहमुल्ला गुरबाज, रहमत शाह, जी हाँ माफ कीजिएगा मैं नाम बार बार बदल दे रहा हूँ, रहमत शाह नीचे आते हैं वो भी मिडिल ऑर्डर में है, रहमुल्ला गुरबाज ऊपर आते हैं वो भी है, लेकिन इब्राहिम जागरान का जो पोजीशन है वो बड़ा पेचीदा मामला है। ये T20 होता तो कोई और प्लेयर होते, लेकिन 50 ओवर है, याद रखिए। इब्राहिम जागरान ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली है, जिस तरीके की अफगानिस्तान के लिए रन करके दिए, वो ऐसे सिंगल प्लेयर है जो अफगानिस्तान को जो बैटिंग से हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। अगर वो 50वें ओवर तक है, टीम 40-4 भी हो, इब्राहिम खड़े हैं तो उम्मीद कर सकते हैं आपके एक स्टडी टारगेट तक अफगानिस्तान पहुंच सकती है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा अफगानिस्तान के लिए बैटिंग यूनिट से, कि अगर 40-4 की नौबत आ गई है तो मुश्किल है कि शायद अफगानिस्तान इतना पार कर पाए, अच्छा स्कोर दे पाए सामने वाली टीम को, अगर इब्राहिम नहीं चले तो। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं देखना, तो इब्राहिम जाधव पर नजर डेलीग्रेट की खासा बनी रहेगी, इंक्लूडिंग राशिद खान जो कि ऑब्वियस नहीं होते हैं। उसके बाद लास्ट अगर एशिया टीम की बात करें तो नेपाल इस बार खेल रहा है, नेपाल में एक बहुत ही ऑब्वियस नेम है, वो तो अगर आप सब जानते हैं, बात कर रहे हैं संदीप लाल, डेफिनेटली बहुत नजर आएगी कि आखिर किस तरह से वो इंडिया और पाकिस्तान के बैट्समैन को बॉलिंग कराते हैं। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो जब विराट कोहली का जो ऑर्डर है, उसके बाद के जो प्लेयर्स हैं, उसके बाद बाबर आजम का जो बैटिंग ऑर्डर है, उसके बाद के जो प्लेयर्स हैं, तो इस बीच में वो कराते हुए ज्यादा नजर आएंगे। अगर शुरू में पेसर्स को विकेट नहीं मिला, अगर पेसर्स को विकेट नहीं मिला तो डेफिनेटली शायद हमें संदीप वर्सेज रोहित भी देखने को मिले, संदीप वर्सेज अगर हम यहाँ बात करें फखर जमा वगैरह भी इमामुल्लाह देखने को मिले, लेकिन अगर शुरू में विकेट मिल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली विराट, बाबर और उसके बाद जो बैट्समैन, उनके सामने किस तरह से वो बॉलिंग कराते हैं, क्या उनकी डिलीवरीज रहती है, क्या कुछ वो नई डिलीवरीज यहाँ पर लेकर आने वाले हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन डेल क्रिकेट की एक और प्लेयर पर नजर रहने सबसे ज्यादा नजर रहेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने घर से बाहर जाकर घर में परफॉर्मेंस कर तारीफ बटोरना एक बहुत अलग बात होती है। हम 10 में से 9 प्लेयर्स को देखते हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे किसी भी टीम में हो, वो कर लेते हैं, लेकिन घर से बाहर जाकर एक टफ कंडीशंस में एक अलग बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर परफॉर्मेंस अच्छी देकर इंप्रेस करने में कामयाब होना, एक ही प्लेयर थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेपाल की तरफ से, एंड हम बात कर रहे हैं गुलशन झा की, क्यों उनपे नजर रहे? बिल्कुल, आप देखिए उन्होंने बॉलिंग से भी बहुत सही वक्त पर आकर विकेट निकाले हैं, क्रूशियल विकेट्स निकाले, तो 5-6-7 ओवर का वो एक बेहतरीन स्पेल भी डाल सकते हैं अगर टीम को जरूरत है उनकी वहां पर आकर। उसके बाद और अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सही, ये भी देखना होगा, क्योंकि उनके सामने ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वो कहीं ना कहीं आइडल मानते हैं, और उनको उनको खेलते हुए उन्होंने देखा है, उनको खेलते हुए देखकर वो बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा, नर्व्स पे कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखना होगा क्योंकि नेपाल की तो पूरी टीम ही यंग है, जी उनको अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना कर पाए बहुत अच्छी बात होगी, वो खिलाड़ियों के एक बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ में आ जाएगा वहाँ पर, वो तो तब की तब बात है। लेकिन गुलशन झा, बहुत उम्मीदें हैं इनसे कि ये कम से कम एक अच्छा एक ब्राइट परफॉर्मेंस, थोड़ा सा कम से कम वही जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रिपीट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा हमें शाइन जरूर दिखाएंगे अपने बल्ले से भी। अगेन से इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ कह रहे हैं कि आप टीम शतक मार के आइए, छक्के पे छक्के पेल दीजिए, विकटों पे विकटे लेते रहिए, नहीं इतना सामने ओपोनेंट भी देखिए, उस खिलाफ से आप इंप्रेस भी करते हैं तो बहुत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इसकी उम्मीद दिल्ली क्रिकेट को यहाँ पर जरूर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं 12 प्लेयर्स हैं जिन पे नजर रहेगी दिल्ली क्रिकेट की, स्पेसिफिकली 6 प्लेयर्स पे जी हाँ, जो हमने कहा, क्योंकि बाकी 6 तो आप भी जानते हैं बहुत ऑब्वियस है, एक एक नाम जो हमने बड़े नाम बताए, बाकी 6 प्लेयर्स जो है उन पे खासा नजर रहेगी किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस एशिया कप में रहती है। बहुत ही इंतजार है 30 अगस्त से इस टूर्नामेंट का, आखिर किस तरह से छाप छोड़ते हैं, और जो जो प्लेयर्स हमने बताए, और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अगर आपको 6 प्लेयर्स पिक करने हो, प्लेयर्स 6 प्लेयर्स टू वॉच आउट हर टीम से एक एक प्लेयर, तो आपके वो कौन से 6 प्लेयर्स होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और बताइए, हम भी देखें कि आपके आखिर कौन कौन से प्लेयर्स वॉच आउट कैटेगरी में आ रहे हैं। डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार एशिया कप की कवरेज और बाकी कंप्लीट एशिया अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलती रहेगी।